सेफ्टी सिक्योरिटी इसको हैंडल करने के लिए, और साथ साथ हमने डिटेल तरीके से रखा है कि आज 5 तारीख की बात तो है, साथ साथ पिछले 4 साल में जो JNU कैंपस ने फेस किया है वाइस चांसलर की वजह से, द MHRD शुड टेक इमीडिएट कॉग्निजेंस ऑफ इट एंड टेक अ स्टेप इमीडिएटली टू रिमूव द वाइस चांसलर। मीटिंग में हमारे तरफ से सारा डिमांड गया है, MHRD ने हमारा बात सुना है और बोला है कि वो लोग एक सर्कुलर डिटेल लेके आएंगे। हमें अभी नहीं पता है कि MHRD के तरफ से क्या सर्कुलर आएगा, वो जैसे सर्कुलर आएगा उस हिसाब से हमारा फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन काउंसिल मीटिंग से डिसाइड करके हम लोग लेंगे। साथ साथ बातचीत ये भी हुई है कि UGC के तरफ से जो यूटिलिटी और सर्विस चार्जेस की बात हो रही है और MHRD ने एक लेटर दिया है उसको भी इमीडिएटली पब्लिक करवाया जाएगा, ये आश्वासन देने के लिए कि यूटिलिटी सर्विस चार्ज एकदम ही लागू नहीं करवाए जाएंगे। और साथ साथ सेक्रेटरी ने ये भी अश्योरेंस दिया है कि MHRD विल बी पॉजिटिवली इंटरवेनिंग इनटू दिस मैटर, और बहुत अच्छे तरीके से वो लोग दे विल सी दैट वी डोंट फेस एनी इश्यूज। हमने प्रॉक्टरल इंक्वायरीज के बारे में बात किया है, FIRs के बारे में बात किया है कि इस दौरान जब हमारा ये सब चल रहा है उसके टाइम पे ऑफिस बेयरर्स अपना FIR फेस कर रहे हैं, तो ये एक हेल्दी ट्रस्ट भी नहीं बिल्ड करता है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। MHRD ने बोला है कि हमें वो करने की ज़रूरत नहीं है, वो लोग एकदम पॉजिटिवली इंटरवीन करेंगे इस मैटर में। हम अभी जो वेट कर रहे हैं JNU इस कि हमारा एक प्रॉपर सर्कुलर डिटेल्ड आए जिसमें हम लोग एक कैंपस वापस जाके एक अच्छे से डिस्कशन करके उस सर्कुलर के ऊपर फिर आने वाले टाइम में आगे वाला क्या भी फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन लेना है उसको आगे लेते हुए। वापस ले ली जाती है सर्कुलर में तो क्या आप लोग ये डेडलॉक खत्म कर देंगे? देखिए, डेडलॉक हमारे तरफ से नहीं एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हो रहा था, हमने यही बोला था कि आप फीस वापस ले लो तो हम लोग सारे एकेडमिक्स में जाने के लिए तैयार है, और अगर ये चीज होगा तो ऑब्वियसली मुझे लग रहा है कि हम काउंसिल में डिस्कस करके ये एजिटेशन को कॉल ऑफ कर लेंगे। लेकिन उसके लिए आज कहा है देखिए, हमने अपना डिमांड रखा है, ऐसा नहीं होता है कि MHRD वहाँ पे 1-to-1 रिप्लाई करता है, MHRD सुनता है और उसके बाद ही अपना कोई चीजें लेके सर्कुलर लेके आता है, जैसे पहले भी प्रेसिडेंस रहा है वो सुनते हैं और फिर वो करते हैं रिप्लाई देते हैं, तो हम उसी सर्कुलर के लिए वेट कर रहे हैं। हम लोग डिसाइड करेंगे, कैंपस वापस जाएंगे, हमारी भी इलेक्टेड बॉडी, हम चार सिर्फ डिसीजन नहीं ले सकते, हम इलेक्टेड बॉडी के साथ बैठेंगे, डिस्कशन करेंगे और फिर फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन। रजिस्ट्रेशन रेजिग्नेशन के बिना रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, कल यही स्लोगन आप लोग चैंट कर रहे थे, जो था ये मांग पर भी आप लोग क्या अड़े हुए हैं इसको लेकर बातचीत हुई? हम लोग कंटिन्यूअसली MHRD को यही बोल रहे हैं कि बातचीत करने के लिए, नॉर्मलसी लाने के लिए भी हमें ऐसा एक वाइस चांसलर चाहिए जो एक नया शुरुआत हो हम लोगों के लिए, लेकिन वो चीज़ अभी तक नहीं हो पा रही है, तो हमने एकदम अपना बात रखी है MHRD के सामने, सेक्रेटरी के सामने, कि एकदम कॉन्क्रीटली इसलिए लिया जाए कि स्टूडेंट्स, सिर्फ मेरी बात नहीं है कि मैं अटैक फेस की हूँ, आज कोई भी स्टूडेंट एकदम फेक नहीं रख पा रहा है हमारे वाइस चांसलर। और इस बात को देखने की जरूरत है कि सिर्फ स्टूडेंट ही नहीं, जो फॉर्मर HRD मिनिस्टर थे आपके लाल, ये मुरली मनोहर जोशी, इन्होंने स्वयं बोला है कि ये वाइस चांसलर बिल्कुल भी कॉम्पिटेंट नहीं है बातचीत करने के लिए और यूनिवर्सिटी को रन करने के लिए। और आप आज जो हमारा जो मेन एजेंडा था, हमने HRD मिनिस्टर से यही बोला कि सर हम आपसे आपके पास नेगोशिएशन के लिए आ रहे हैं, यहाँ से फिर जाकर के वाइस चांसलर से नेगोशिएशन होगा, लेकिन नेगोशिएशन उसी वाइस चांसलर से हो सकता है जो एक कॉम्पिटेंट हो, जो स्टूडेंट को समझे और जिसको ये समझ में आना चाहिए कि कैंपस को रन करने के लिए किस तरह का एनवायरनमेंट देना जरूरी है, और वो सारी चीज़ें, वो सारी काबिलियत इस वाइस चांसलर के अंदर फिलहाल नहीं है। इसीलिए हम लोग एक नए वाइस चांसलर की मांग करते हैं कि जो कम से कम स्टूडेंट के मुद्दों को समझ सके, उसके साथ ये सारी चीजें आगे भी चलती रहेंगी। पहले JNSU ने जिस तरह से कहा था कि जो मास्क ढूंढ से उनके खिलाफ FIR होनी चाहिए, आज दिल्ली पुलिस ने ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, 9 फोटोग्राफ लोगों की फोटोग्राफ्स निकाली है जो सस्पेक्ट बनाए हैं, उसमें फिर से आपकी फोटो भी रिलीज करी है, क्या कहेंगे? बंद हो गया। देखिए, अब वो दिल्ली पुलिस की बात है, वो अपना कार्रवाई करना चाहते हैं, लेकिन मेरे पास भी मेरे एविडेंसेस है कि किस तरीके से मेरे ऊपर हमला हुई है, और सिर्फ फोटोग्राफ आ जाने से किसी का कोई सस्पेक्ट नहीं हो गया, सिर्फ फोटोग्राफ आ जाने से कोई सस्पेक्ट नहीं हो गया, सस्पेक्ट नहीं होता है। बात है बेसिकली कि वाइस चांसलर और JNU प्रशासन का पूरा रोल रहा है 5 तारीख के हमले को करवाने में, पूरा चीफ प्रॉक्टर से लेकर चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर, इन सब लोग का रोल है, CCTV कैमरा बंद कर दिए गए, और अभी प्रशासन, एक बात हमने HRD को बताया कि इसमें प्रशासन का रोल है, जब तक के VC रिमूव नहीं होता है हमारे प्रशासन के ऊपर विजिटर की इंक्वायरी नहीं बैठती है, ये इनजस्टिस हमारे जस्टिस हमें नहीं मिलेगा और हम अपनी सेफ्टी को एंश्योर नहीं कर पाएंगे। और जो दिल्ली पुलिस है, जब ये हमला हो रहा था तब बाहर बैठ के देख रहे थे, हम लोग फोन कर रहे थे अंदर आइए इसको कंट्रोल कीजिए, नहीं किया कंट्रोल, अभी 5 दिन बाद ये लोग
और इसी का भी फोटो लाते हैं। ये बेसिकली एक कोशिश है कि हम लोगों के ऊपर ही ठीकरा फोड़ने का, इस हिंसा का, इस आतंकी हमले का, और ये एकदम शर्मनाक है। जैसा कि आप बोल रहे हैं कि जैसा कि आप बोल रहे हैं कि ओसी का नाम है, तो आप देखिए कि ओसी के सर पे खुद एक रॉड पड़ा हुआ है। जो मार खाए हुए लोग हैं वो एमएचआरडी में आके नेगोशिएशन कर रहा है। मैं खुद, मुझे इन लोगों ने मारा है, हम लोग आके यहाँ बातचीत कर रहे हैं, नेगोशिएशन में है। जिन लोगों ने मारा है वो नकाबपोश है, उनको अगर दिल्ली पुलिस खोजे तो ये काफी सही रहेगा। आप लोगों को शायद टाइमलाइन भी पता है, जिस टाइम पे मैं जूझ रही थी अपने जान के लिए उस टाइम पे एफआईआर करवाया गया था, लेकिन इस बात पे वाइस चांसलर एक बार भी वाकिफ नहीं हुए कि कैसे यूनिवर्सिटी को बचाया जाए। मैं बार बार ये बोल रही हूँ जेएनयूएसयू के रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते कि किसी भी तरीके का वायलेंस इज कंडेमेबल, और ये बात हम चारों ने बार बार कैंपस के अंदर रखा था। और इस टाइम पे अगर दिल्ली पुलिस को इस बात पे ठंडक मिल जाती है कि मुझे सस्पेक्ट बना के वो पूरा चीज को घुमा देंगे, तो ये गलत है। अगर मैं जानना चाहती हूँ कि कोई भी वीडियो रिलीज हुआ है जहाँ पे मैं रॉड लेते हुए और मास्क पहनते हुए घूम रही हूँ, नहीं। सस्पेक्ट बोल देने से वो सस्पेक्ट नहीं हो जाता है, उनके पास प्रूफ भी रहना चाहिए ये बताने के लिए कि वो सस्पेक्ट है। तो बात डीसी ने आपके साथ बात किया एक बार भी बात नहीं हुई, अभी तक एक बार। हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया है दो बार कि वाइस चांसलर हमसे मिले और बात करके इस मसले को सॉल्व करे, पर वाइस चांसलर हाईकोर्ट के ऑर्डर का अवहेलना किया है दो बार और अब तक एक बार हमें सर मीटिंग नहीं हुई है। देखिए At this moment, the faith in the vice chancellor has completely eroded. So, but what is the thing is, at least the MHRD, we are having a dialogue. So, we many times the things are also comes out of a dialogue, and that is everything we always welcome as JNU Students Union. That we always welcome a step of dialogue that has been happening from the last 60-70 days, and exactly that is what we want even within the campus. That there might be difference of opinions, but there shouldn't be a communication break. So the dialogue that you had last month, which ended in that report, in that statement which HRD proposed, it gave a proposal. If they offer the same proposal now, is that something that you are willing to take? Because that is something that your we have not yet discussed much on the nitty gritties. Things have changed quite after the 5th. So we need to sit back, decide with our council that what are the steps that we are going to take and what are the alternative steps that we are going to take to further this movement or have a further course. आपके ऊपर जब अटैक हुआ पूरी दुनिया ने देखा कि आप लोग के साथ क्या हुआ, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन बार बार ये कह रहा है कि इससे पहले जब सर्वर तोड़े गए उसमें आपके या आपके सहयोगियों का हाथ है, इसको आप लोग कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? देखिए बार बार बोल रहे हैं कि जेएनयू स्टूडेंट्स यूनियन की तरफ से कोई कॉल नहीं था। अगर वो कोई, ये बात बहुत इंटरेस्टिंग है, अचानक से ये पता चला है। एक चीज मैं खत्म कर देती हूँ कि वाइस चांसलर को जब सीसीटीवी फुटेजेस मांगा गया है गेट का, उन्होंने बोला है कि सर्वर डाउन था, हमारे पास सीसीटीवी फुटेजेस नहीं है। लेकिन नॉर्थ गेट में रहता है सर्वर, नॉर्थ गेट में नहीं तो क्लाउड में सेव हो जाता है फुटेज। तो गेट का जो विजुअल्स है जहाँ पे हमें भी पता है किसने लीड किया था मॉब को, तो वो सारे वीडियोस वाइस चांसलर खुद अपने ट्विटर हैंडल से क्यों नहीं रिलीज करते हैं? हम जानना चाहते हैं कि वाइस देयर इज अ सिलेक्टिव एफआईआर सडनली, व्हाई आर दे सस्पेक्टिंग मी, फ्रॉम वेयर, व्हाट इज द प्रूफ, विदाउट एनीथिंग, जस्ट टू क्रिएट अ नैरेटिव इन द मीडिया दैट दीज आर द पीपल। ऑन व्हाट बेसिस आर यू क्रिएटिंग द नैरेटिव? टुमारो पुटिंग आवर फेसेस डजंट मीन एज सस्पेक्ट, डजंट मीन दैट वी हैव डन एनीथिंग। What is the thing that led you to conclude that we are suspects? So we don't accept such kind of narratives that they are trying to build. और जो इंटरनेट की बात है, आप देखिए पूरे देश में इंटरनेट कौन बंद कर रहा है, कश्मीर से लेकर के उत्तर प्रदेश से लेकर मणिपुर से लेकर गुजरात तक, और वो लोग जेएनयू में कहते हैं कि स्टूडेंट बंद किया है। सवाल उनसे पूछना चाहिए कि सबको पता है देश में इंटरनेट कौन बंद कर रहा है। अच्छा एक सवाल और, सर्कुलर अभी इन लोगों की तरफ से आ जाएगा, तो क्या सर्कुलर में क्या वो बातें होंगी जिसको हम देख कर कह सकते हैं कि आप लोग का स्ट्राइक कॉल ऑफ हो गया? देखिए अभी हमें सर्कुलर आएगा उसकी, नहीं देखिए ऐसे हम लोग नहीं बोल सकते, बिकॉज काफी टाइम हम सर्कुलर देखेंगे, आएगा किस तरीके से उसे इंटरप्रेट किया जाएगा क्लैरिफिकेशंस के साथ, उसको देखते हुए हम अपनी इलेक्टेड बॉडी में वापस ले जाएंगे। इवन मिनिस्ट्री ने ही वही हमें सजेस्ट किया है कि जो भी आएगा हम लोग उसको वापस लेते हुए जाए, अपने बॉडीज में डिस्कस करें, और फिर उसके बाद हम लोग इमेजरी को फिर से carried out the assault. How do you respond to such charges? See, I have not carried out any assault, neither I was carrying out any assault with rod or mask. I don't know from where Delhi police is getting such narratives. Anyways, whatever the thing is, the investigation will be done, and I have full faith in the law and order of this country that there will be a very fair, and I don't fear anything because I have not done anything wrong.
So I have full faith in the law and order of this country that it will be in a very justified position and I'll get the justice of what has happened to me. And not a single FIR, abhi tak mera jo complaint hai usko FIR mein nahi turn kiya gaya. Ye janleva hamla nahi hai. Lekin kuch video mein kahin pe main dekhi hu that is a suspect of doing something. I just want to know, is the law and order of this country working in a way? Delhi police kyun bias tarike se kaam kar raha hai? मुझे ये जानना है कि मेरे ऊपर ये जानलेवा हमला नहीं है लेकिन किसी एक वीडियो में मैं दिखती हूँ कुछ नहीं. मैं जेएनयू स्टूडेंट्स यूनियन की रिप्रेजेंटेटिव हूँ. हम लोग चार जेएनयू स्टूडेंट्स यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव है. कहीं पे कैंपस में इमरजेंसी होता है जहाँ पे सिक्योरिटी नहीं होता है हम दौड़ के पहुँचते स्टूडेंट्स के SOS कॉल्स पे. तो क्या हमारा कैंपस के अंदर कहीं पे पहुँचना सिक्योरिटी रीजन की वजह से गुनाह है? मैं ये पूछना चाहती हूँ. क्या ये बता देता है कि वो वहाँ पे वो कर रहे थे? उनके पास क्या एविडेंसेस है? दिल्ली पुलिस ये क्यों नहीं रिलीज करता है कि क्या एविडेंस है जिसके वजह से वो सस्पेक्ट कर रहे हैं? उनके पास कोई एविडेंस नहीं है. जो एक एविडेंस मीडिया में चला था वो हमें भी पता है. उसका क्लैरिफिकेशन मैं बार बार दे चुकी हूँ कि एज जेएनयू स्टूडेंट्स यूनियन रिप्रेजेंटेटिव जब हम लोग दोनों रोक रहे थे एक दिन एक कपिल सतीश को मारा गया मेरे सामने, तो क्या कल आप उसका चेहरा गोल करके बोल दोगे ये सस्पेक्ट है उस चीज में? नहीं. He is doing his responsibility as the general secretary. He is doing the responsibility as the vice president and the joint secretary. I am doing my responsibility to reach at the place to save my students as the president. Am I wrong in that way? आपका security कहाँ रहता है? हमें क्यों पहुँचना पड़ता है? आपकी security क्या कर रहे थे? Cyclops कहाँ था वहाँ पे? Students वहाँ पे Cyclops को क्यों contact नहीं कर पाए? उन्हें हमें क्यों call करना पड़ा? जल्द से जल्द की नहीं ओशी आप आइए सतीश आप आइए साकेत आप आइए दानिश आप आइए. उनको ये क्यों करना पड़ रहा है? अगर आपका सिक्योरिटी इतना टाइट है तो आपको ये तो करना ही नहीं पड़ेगा ना. आपके हॉस्टल में कोयना हॉस्टल में लड़के घुस कैसे गए? अगर आपका सिक्योरिटी इतना स्ट्रांग था तो कोयना हॉस्टल जो एक विमेन्स हॉस्टल है उसमें सिक्योरिटी रात के शाम के सात बजे के बाद जो भी मास्क थे वो घुस कैसे गए? जहां पे भी हुआ है वो घुस कैसे गए हैं और कर कैसे रहे हैं प्रेजेंस में आपके? Aishi, are you saying that you went to Periyar Hospital or JNSU went to Periyar Hospital on the basis of SOS call? That's what you are saying? Because Delhi police is saying, and I'm quoting them right now as we speak, that these students went to Periyar Hospital. They were muffled. Some members of JNSU were there. In fact, they were muffled. I was not. Some members of JNSU were there. I'm just quoting Delhi police. See, exactly. Fact, that is the video. President Aishi Ghosh, and they referred you here, was also there, which has been caught on camera. How do you respond to that? I have exactly responded. See, I'll just add something to it. The Cyclops Security Agency, which is responsible for providing security to JNU, 4 or 5 tarikh ko, ab dekhiye, hostel mein unne attendance sign nahi kiya hai. Do din se campus se hamari security agency gayab hai. उसके बाद जब हम पुलिस को कॉल करते हैं, अगर ओशी अगर वो अटैक करने गई तो 3 बजे क्यों पुलिस को मैसेज करके भेजती कि एक असेलेंट और मॉब का ग्रुप जो है चेहरे पे कपड़ा बांध के डंडा लेके जमा हो गया है? अगर उसको अटैक करना होता, सीधा सीधा बात है, सोचिए हम लोग पुलिस को बुलाए, हम लोग जब मारपीट हो रहा था तो हम लोग जाके रोकने की कोशिश किए. ये सब में आप समझिए किस तरीके की साजिश रचा जा रहा है दिल्ली पुलिस के द्वारा. और इसीलिए हम लोगों को जो हमारा फेथ है वो बार बार हम लोग अपना फेथ डेलिब्रेटिव बॉडीज में रखते हैं, MHRD में देते हैं, दिल्ली पुलिस से भी हम बात करते हैं, पर हमारा फेथ बार बार तोड़ा जा रहा है. बार बार ऊपर से ऑर्डर आके हमारे ही ऊपर इसका ठीकरा फोड़ने का कोशिश किया जा रहा है. कौन ऑर्डर कर रहा है ऊपर से? आप देख सकते हो कौन ऊपर से ऑर्डर कर रहा है. ये सर्कुलेट बहुत पहले हुआ था. कौन ऑर्डर कर रहा है? ऑर्डर कौन कर रहा है आपको पता है? आप अगर मीडिया रिपोर्ट देखेंगे तो कौन आज जेएनयू के प्रशासन के अंडर कौन कॉल ले रहा है, कौन सी मिनिस्ट्री देसी कॉल ले रही है, आपको सबको पता है. आप प्रिंट का रिपोर्ट पढ़ लीजिए, समझ लीजिएगा. होम मिनिस्टर खुद जेएनयू को लेके कॉल ले रहे हैं इस समय पे. MHRD ने 10-11 तारीख को अगर ये सर्कुलर जारी किया था जो रिकॉर्ड ऑफ अग्रीमेंट है, हमने नहीं माना अभी तक के, सही बात है, पर अगर वो बाध्य था जेएनयू प्रशासन पे तो अब तक जेएनयू प्रशासन ने क्यों नहीं माना? कहां से मिलती है ये इम्प्यूनिटी? ये 5 तारीख के शाम में दिल्ली पुलिस 2 घंटा क्यों बाहर बैठ रही? किसके ऑर्डर पे बाहर बैठ रही? अंदर क्यों नहीं आ रही थी जब हम लोग फोन कर रहे थे? उनको पता था अंदर ये सब हो रहा है, अंदर आने से कौन उनको रोक रहा था? ये सवाल आपको भी पूछना चाहिए. स्क्रीनशॉट सीधा होम मिनिस्टर पर आरोप लगा एकदम. पिछले 2 बार से पैनल नोटिफाई नहीं हुआ, सेक्रेटरी ने पैनल नोटिफिकेशन दी. मिनिस्ट्री पे भरोसा है लेकिन होम मिनिस्ट्री पे भरोसा नहीं है, क्या इसका ये मतलब निकाला जाए? निकाल सकते हैं. एक चीज समझना पड़ेगा क्योंकि जब दिल्ली पुलिस कटघरे में होती है तो किसी भी तरीके से बचने के लिए एक फ्रेम करती है कहानी को. वो 2 घंटे कहाँ थी जब ऑलरेडी बताया गया था आशिक द्वारा कि यहाँ पे कुछ लोग घूम रहे कैंपस के अंदर, तो 2 घंटे से पुलिस कहाँ थी?
जब वायलेंस हो रहा था एक घंटे तक कैंपस के अंदर, तो पुलिस बाहर में क्या कर रही थी उसको इन्फॉर्मेशन था। साइक्लोप्स का गार्ड दो दिन से साइन अटेंडेंस क्यों नहीं कर रहा था कि वो कैंपस के अंदर मौजूद है वो वीसी। ये सब एक प्लान तरीके से हुआ है, इसके पीछे कम्प्लीटली वीसी का हाथ है। हम लोग अभी एक इंक्वायरी बैठाई गई है जिसमें 5 लोगों का लिस्ट बनाया है, उसमें ऐसे भी प्रोफेसर शामिल है जो भीड़ में भीड़ को इंस्टिगेट किया है, जो अपने प्रियार हॉस्टल का वार्डन है और भीड़ के साथ वो शामिल था। इस तरह का वारदात जब दिल्ली पुलिस पे सवाल उठता है तो वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों को बस बरगलाता है कि देखो एक ये फोटो आया है इसमें आशीष शामिल है, सारा चीज इस पे डाल दो। ऐसा नहीं होता है, एक फोटो के अलावा आप अगर इसका कोई फोटो दिखा दे जाती है वायलेंस कर रही है, जहां पे इसका फेस बंद है, लाठी है इसके डंडे इसके हाथ में, आप ऐसा कोई फुटेज लाइए जिससे प्रूफ होता है कि इसने वायलेंस किया है। पूरा प्रूफ जिसके खिलाफ हो रहा है, जो सरेआम घूम रहा है सड़कों पे, आज भी कैंपस के अंदर वो घूम रहा है मफलर लगा करके, उसका बिना मफलर का भी फेस है, डंडा लेके घूम रहा है। पुलिस के पास सारा रिपोर्ट है, वीडियो भी है, फुटेज भी है, लेकिन आज तक दिल्ली पुलिस उस एक को भी अरेस्ट नहीं किया है। तो क्यों नहीं किया है? किसी को ये करने से क्या फायदा? देखिए बात वो समझना पड़ेगा, एक क्लियर है, देखिए वीडियोस हमारे पास भी है लेकिन उस वीडियोस पे एक्शन लिया गया है, लेकिन चुन चुन के ये कौन सी फोटोज रिलीज किया जा रहा है, ये फोटोज रिलीज किसने किया था सबसे पहले एज प्रूफ? तो बात बोल रहे हैं वीसी किया है, लेकिन वीसी के करने का क्या फायदा मिलेगा? वीसी को क्या क्या फायदा मिलेगा, क्या फायदा नहीं मिलेगा? आप देख ही रहे ना, वाइस चांसलर जो है एक